नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के बस्ती बाबा खेल नहर में से एक मासूम बच्चे का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस सीसीटीवी रही खंगाल। अमृतसर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैर कानूनी हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 3 पिस्तौल 30 राउंड किए बरामद। अमृतसर के सिविल अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। महिला ने अस्पताल के बरामदे में दिया बच्चे को जन्म। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर की बस्ती बाबा खेल इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब नहर में एक मासूम बच्चे का शव बरामद हुआ। स्थानीय निवासियों ने इस दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद बस्ती बाबा खेल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस संबंधी जानकारी देते हुए उजालना नगर निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि वे अपनी बेटी के साथ नहर के पास से गुजर रहा था। इस दौरान उसकी नज़र नहर के पानी में तैरती एक वस्तु पर पड़ी, जिसे उसने पहले खिलौना समझा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह किसी छोटे बच्चे का शव था, जिसे देखकर वह सन्न रह गया। जिसके बाद उक्त व्यक्ति ने वहां मौजूद बच्चों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि एक महिला कुछ समय पहले यहां आई थी और उसने बच्चे को नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद व्यक्ति ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही बस्ती बाबा खेल की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने इलाके को घेर लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि ये घटना एक दुर्घटना है या किसी साजिश के तहत बच्चे को नहर में फेंका गया है। पुलिस ने बच्चे की पहचान करने और घटना की सच्चाई का पता लगाने के लिए आसपास के क्षेत्रों में जांच शुरू कर दी है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं तो जा रहा सीगा अपनी बेटी नाल, थोड़ा काम गया सीगा तो वापस आ रहा, तो बेटी कहती पानी देखना पापा गड्डी रोको, इतने पानी आज घट गया देखना। साडा ना एक्चुअली टीवी का रिमोट डिग गया सीगा, असीं उन्हें देखने लग गया परसों समान तारण आए थे। ठीक है जी। टीवी का रिमोट डिग गया सी, पापा वो कहते पापा देख लीए कितने तैर के चल गया। असीं देखना तो बच्चे नहा रहे थे, तो वो छोटे छोटे बच्चे मैंने कहना अंकल बच्चा तैरता पाया। जो तो मैं देखा भी बच्चे बच्चा पहले मैं समझा कि खिलौना है, तो मैं रोंग साइड तो आया तो देखा बच्चा है, बच्चे की किसी बच्चे की डेड बॉडी है। तो मैं उन्होंने बच्चे को पूछा कि सटिया, तो बच्चे कह लगे कि 10 मिनट पहला कोई आंटी सट के गई है थोड़ी देर पहला। तो बस मैं जो अगर देखा तो मैंने जो देखा मैं वो पैर दिख रहे बच्चे के, मैं वो फोटो क्लिक की तो अपने ग्रुप के सेंड की। मेरे प्रेस वाले जो फ्रेंड सर्कल है प्लस जलंधर सिटी लाइव सोशल मीडिया इन्होंने सबन सेंड की, तो मीडिया वाले भरा सारे इतने पहुँचे है प्लस 112 नंबर पर भी उन्होंने आके कॉल की है। तो हम देखो किसी भाई साहब ने डेड बॉडी बच्चे की कटी है, लड़का है। मैं 10 मिनट पहला फोन आया जी भाई बच्चा एक इतने लाश पई है बच्चे की नहर के, वो जो मैं मौके पर पहुंचा वो लाश बच्ची कट के बाहर रखी गई है। ठीक है जी। इस संबंधी साढ़े ड्यूटी अफसर जो मेरे को पहला पहुंच चुके ही, हूँ पब्लिक ने दसन मुताबक कोई लेडी इतने सुट के गई है बच्चे, उस संबंधी अभी जो सीसीटीवी फुटेज जो वो देख के उस संबंधी फिर जो जो भी बनती कार्रवाई कानूनी करा जरूर करा। नहीं इतने लागे चागे तो नहीं है, फिर पिछों शुरू करा जिथे कैमरा मिलता अभी उतो ही शुरू करा। पब्लिक ने कटिया जी लड़का है, तीन को चार महीने का जाता है बाबा खेल नहर से बाबा बुढ़ा जी पुल के लागे। जमाना जी कुछ नहीं कहा जा सकता की प्रॉब्लम है, या बच्चे कोई प्रॉब्लम है या बच्चे की डेथ हो गई है कोई नहीं पता। नहीं अभी तक कोई गलबात नहीं हुई है, हूँ अभी जो भी बनती कानूनी कार्रवाई करेंगे। बलजिंदर सिंह। अमृतसर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैर कानूनी हथियार सप्लाई करने के धंधे में शामिल एक
गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 सदस्यों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP लॉ एंड ऑर्डर आलम विजय सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उक्त आरोपियों को काबू किया है। उन्होंने बताया कि मुकेश कुमार उर्फ मंकू, जो कि आलमीन अंसारी से हथियार लेकर बेचता था, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी मुकेश कुमार और आलमीन अंसारी को अमृतसर रेलवे क्वार्टर के नज़दीक से काबू किया। प्राथमिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने माना कि वे राजस्थान से अवैध हथियार सप्लाई करते थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को काबू किया गया है, जिनके पास से 3 पिस्तौल और 30 राउंड बरामद हुए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। इंटरस्टेट आर्म स्मगलिंग गैंग बर्स्ट कीता जी, जिदे तहत असी FIR नंबर 208-3024 रजिस्टर कीती है अंडर सैक्शन 2554-58 आर्म्स एक्ट। उहदे तहत असी अपना 3 पिस्टल 32 बोर दे ते 30 राउंड रिकवर कीते है 32 बोर दे, ते उहदे च असी 5 बंदे अरेस्ट कीते है। उहनां दा नाम है मुहम्मद अकबर, जावेद खान, कासिम, मुकेश कुमार ते आलमीन अंसारी। 3/9/24 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ, ਕਾਸਿਮ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਤੇ ਕਾਸਿਮ ਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੁਤਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਥਾਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਡਰ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਟੀਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਸਿਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ 5 ਰਾਊਂਡ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਤੋਂ ਤੇ 10 ਰਾਊਂਡ ਮਿਲੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 5 ਰਾਊਂਡ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਸਿਮ ਕੋਲੋਂ ਵੀ 5 ਰਾਊਂਡ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਗਾਨਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਲ 10 ਰਾਊਂਡ ਮਿਲੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਆਲਮੀਨ ਅੰਸਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੇਚਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਆਲਮੀਨ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵੈਪਨ ਤੇ ਰਾਊਂਡ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਏ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੋ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇ ਬਰਾਮਦੇ ਮੇਂ ਬੱਚੇ ਕੋ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਹਾਂ ਉਪਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਥਾ ਔਰ ਮਹਿਲਾ ਦਰਦ ਸੇ ਕਰਰਾ ਰਹੀ ਥੀ, ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਉਸਨੇ अस्पताल के रास्ते में ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया। तो वहीं इस बात पता चलते ही डॉक्टर भागते हुए वहां पहुंचे, जिन्होंने उक्त महिला को अस्पताल में दाखिल किया और उसके बाद उक्त महिला और उसके बच्चे का इलाज किया। इस मौके पर पीड़ित परिवार ने कहा कि वे जोड़ा फाटक के रहने वाले हैं और उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला था। डॉक्टरों द्वारा उन्हें 12 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, लेकिन अचानक ही उसकी पत्नी को ज़्यादा दर्द होने लगा, जिसके चलते वे अपनी पत्नी को सिवर अस्पताल लेकर आए थे, पर उसकी पत्नी दर्द सहन ना कर सकी और रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। उन्होंने बताया कि पत्नी और बच्चा दोनों तंदुरुस्त हैं और उनका डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अपना नाम बता दें, हिंदी में बोलो। अमन कुमार। हाँ जी, की रहे हैं सर? हाँ जी भाई। केड़ी जगह रहते हो? जोड़े फाटक दशमेश नगर। केड़ी जगह पहुंचे तो की हो? ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਪਰ ਓਵਰ ਰੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 2-3 ਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 12 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ
दर्द मचिया तो मैं लैके आया हूँ भाई रात से ही हो गया बच्चा रस्ते ही हो गया हाँ जी ठीक ने हाँ जी हाँ जी तो डॉक्टर ने की क्या था उन्होंने तो आई दसिया है कि तुम पहले लेके आ जाते मैं तुम टाइम सू दसा है वही टाइम तो लेके आने अज दर्द मच लिया तो मैं लेके आ गया मतलब 12 तरीक दस तो बाद अज 7 तरीक पहले ही हाँ जी हाँ जी डॉक्टर दिन गई है कोई गलती दस आ ठीक ने हम दोवें ठीक हाँ जी हाँ जी भाजी लेडी आन रही तो बच्चा हो पाया इतने कदों हूँ अजे 5 मिनट हो कि जगह पर तुम बैठे जे मैं अंबरसर सिविल सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर दो जने एक आदमी एक औरत पुलिस कार्य प्रणाली को प्रभावशाली जवाबदेही और पारदर्शी व यकीन बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर जालंधर स्वपन शर्मा की ओर से शहर के अलग अलग पुलिस थानों में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर की ओर से थाना डिवीजन नंबर 7 और 8 में चेकिंग की गई। इस चेकिंग के दौरान पुलिस कमिश्नर ने थानों में पेंडिंग पड़े केसों की जाँच की और अधिकारियों को इन्हें क्लियर करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि केसों के निपटारे में किसी भी तरह की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लंबित केसों के निपटारे के लिए पुलिस की समय सीमा निर्धारित करते हुए पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि सभी केसों को इनके तर्क पूर्ण परिणामों पर पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर में अमन कानून की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से वचनबद्ध है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जालंधर में पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा की अध्यक्षता में इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया। इंटरैक्टिव सत्र के दौरान पुलिस कमिश्नर ने आम लोगों से अपील की कि वे अपनी चिंताओं और मुद्दों को खुलकर उठाएं क्योंकि प्रशासन उनके समाधान के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बैठक में मिशन सहयोग को भी जबरदस्त समर्थन मिला। बैठक के दौरान प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय महाजन ने पुलिस कमिश्नर की इस पहल की सराहना की और जनता की भागीदारी की को एक बड़ा कदम बताया। फोकल पॉइंट इंडस्ट्री के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सग्गू ने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने उद्यमियों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। उन्होंने इस मुहिम को पुलिस और जनता के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अध्यक्ष सुखमोहन सिंह ने भी उम्मीद जताई कि ये मुहिम पुलिस और जनता की रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाएगी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में राष्ट्रीय एकता और कला उत्सव का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज शर्मा ने दीप जलाकर किया। इस दौरान अलग अलग स्कूलों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया तो वहीं राष्ट्रीय गायन कंपटीशन के माध्यम से बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस संबंधी केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 की प्रिंसिपल सीमा सिंह ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 150 के करीब बच्चों ने भाग लिया है और अपनी कला का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इस बार आंध्र प्रदेश के कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जिसमें आंध्र प्रदेश के पहरावे उसकी कलाकृति और उसके लोकगीत को दर्शाते हुए कार्यक्रम पेश किए गए। उन्होंने बताया कि ऐसी गतिविधियों से बच्चों को अलग अलग स्टेट के बारे में जानकारी मिलेगी। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये कला उत्सव है। कला उत्सव और इसमें साथ में एक और दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, दूसरा हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत है। और ये दोनों जो कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय एकता पर्व के अंदर हम सेलिब्रेट करते हैं जिसमें हमें हर साल एक स्टेट मिलता है, पेयरिंग स्टेट हमारा जो इस बार का वो है आंध्र प्रदेश। सो इस दो दिन के प्रोग्राम में जो कि क्लस्टर लेवल पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, हमारे क्लस्टर में 7 KVs हैं और इन 7 KVs को एक स्टेट मिला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कल्चर, वहाँ की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, वहाँ का ट्रेड,
वहाँ की फोक, हर चीज़, वहाँ का रिलीजन, हर चीज़ का लैंग्वेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट मीन्स एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द स्टेट, वो हम यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं। और इस दो दिन के प्रोग्राम में हमारा कल्चरल चलेगा जिसमें डांस है, म्यूज़िक है, और इसके साथ में क्लासिकल भी है और फोक भी है, दोनों चीज़ें हम दिखाएंगे इसमें। साथ में पेंटिंग का ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन होगा, डिस्प्ले ऑफ आर्टिफैक्ट्स हैं जिसमें आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, उसके कल्चर, रिलीजन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, ट्रेड, एवरीथिंग वो डिस्प्ले किया जाएगा। और इसके साथ में विजुअल आर्ट्स कॉम्पिटिशन है, सो दैट मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4-5 आइटम्स जो हम साथ में कर रहे हैं। इसका जो सोल पर्पस है वो ये है कि हम इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी शो करते हैं, और इसमें बच्चों को एक्सपोजर मिलता है कि किस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है और क्या वहाँ की आप कह सकते हैं कल्चर है, मतलब वहाँ का फोक क्या है। बिकॉज हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूवीज़ में देखते हैं, लेकिन जो फोक है उससे हम कहीं ना कहीं वाकिफ नहीं हो पाते हैं। तो उस फोक को दर्शाने का, वहाँ की लोकल चीज़ों को दर्शाने का, वहाँ के फूड, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का पहनावा, इन सब चीज़ों को दिखाने का, और बच्चों को एक एक्सपोजर मिलता है जिससे वो इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोर ओवर बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें उनको एक अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो ये इस तो पूरे प्रोग्राम का जिस्ट है जो दो दिन तक चलेगा, और बच्चे हमारे यहाँ स्टे भी कर रहे हैं, तो स्टे वेन्यू भी है और हमारा स्कूल होस्ट भी कर रहा है। मैम क्या नाम है आपका? जी अनसीमा सिंह। जिला स्पेशल ओलंपिक एसोसिएशन की जनरल मीटिंग का आयोजन है विरसा विहार में। स्पेशल ओलंपिक पंजाब के प्रधान अशोक अरोड़ा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में स्पेशल ओलंपिक पंजाब टीम के कन्वीनर परमजीत सिंह, सचदेवा उप प्रधान अनिल गोयल, स्पोर्ट्स डायरेक्टर मनदीप सिंह बराड़, प्रोग्राम मैनेजर उमा शंकर सहित कई प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। इस मौके पर सर्वसम्मति से चानन वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग सेंटर की MD उपिंदर कौर आनंद को एसोसिएशन का पैट्रन, राजीव द्विवेदी को अध्यक्ष सुखम और मीनू वाही को उपाध्यक्ष, मनीष अग्रवाल को सचिव और रेखा कश्यप को पूर्व स्पोर्ट्स डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। तेजपाल सिंह को कोषाध्यक्ष और पूनम गौतम व शिवानी ठाकुर को सह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा गुरजीत सिंह, राजू चौधरी, मोनिका मित्तल और सिस्टर शांति को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुना गया। विशेष एथलीट दमनजीत सिंह को भी टीम का सदस्य बनाया गया। डॉक्टर कुलदीप सिंह और अरविंदर सिंह को विशेष सलाहकार के रूप में नामित किया गया। इस अवसर पर स्टेट टीम ने जालंधर की टीम को शुभकामनाएं दी और भविष्य के लिए समर्थन का वादा किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर नीमा जालंधर ने नगर निगम जालंधर के साथ मिलकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर की स्वच्छता और नागरिकों को स्वच्छ जीवन शैली अपनाने के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान नीमा के प्रतिनिधियों ने शहरवासियों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने स्थानीय निवासियों को साफ सफाई के प्रति जिम्मेदारी उठाने और कूड़े का सही तरीके से निपटारा करने का संदेश दिया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब आयुर्वेद एंड यूनानी मेडिसिन बोर्ड ने सभी डॉक्टरों को बोर्ड के नए कामकाज और क्रेडिट पॉइंट्स की जानकारी देने के लिए एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया। इस बैठक में जालंधर जिले के नवनियुक्त नीमा के प्रधान बोर्ड सदस्य डॉक्टर SP डालिया तथा बोर्ड सदस्य डॉक्टर पवन विशिष्ट विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक में बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर संदीप गोयल ने सभी आयुर्वेदिक डॉक्टरों को अपने क्लिनिक के बोर्ड पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने और रजिस्ट्रेशन की कॉपी क्लिनिक में लगाने की अनिवार्यता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अब डॉक्टरों को अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाने के लिए 5 वर्ष में 50 क्रेडिट पॉइंट्स हासिल करने होंगे। इसके लिए उन्हें बोर्ड द्वारा अनुमोदित CME कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप और हेड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेना होगा ताकि वे अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकें और इलाज के नए तरीकों से अवगत हो सके। बैठक के अंत में नीमा प्रधान डॉक्टर SP डालिया और बोर्ड सदस्य डॉक्टर पवन विशेष ने सभी डॉक्टरों से अपील की कि वे नए कार्यप्रणाली को समझें और इसे अपने प्रैक्टिस में अवश्य लागू करें। इस अवसर पर बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर संदीप गोयल और अन्य प्रमुख सदस्य भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन
शिव मंदिर दबोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आह्वान कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन यज्ञ का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की अश्विनी यादव ने बताया कि ये हवन यज्ञ श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर एवं गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी की प्रेरणा से हर सप्ताह करवाया जाता है। भक्तों द्वारा हवन यज्ञ में होतियां डालकर विश्व की मंगल कामना की गई और माँ के पावन नवरात्रों की बधाई भी दी गई। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रतन सिकंदर, दिवेश राम सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कोमल मल्होत्रा, आयुष यादव, अंकुर मल्होत्रा, डॉक्टर मुकेश यादव, बिनी बोहरा सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नवरात्रों के पावन अवसर पर मंदिर श्री बजरंग भवन प्रबंधक कमेटी जालंधर छावनी की ओर से वार्षिक जागरण का आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में नौ शक्तिपीठों की पावन ज्योतियां मंदिर श्री बजरंग भवन जालंधर छावनी में पहुंची, जहां से विशाल शोभा यात्रा निकलेगी जो कि इलाके की परिक्रमा कर पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू के निवास स्थान पर पहुंची, जहां हरविंदर सिंह पप्पू परिवार की ओर से मां की पावन ज्योतियों को भव्य स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस अवसर पर गीतांजलि रितिका, सुरेंद्र सिंह छिंदा, सूरज शेजल, क्षमा ममता, आशा सुनीता, भूषण अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, पवन अग्रवाल, विजय गोयल, विकास गोयल सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय माता दी, जो कि हर साल की तरह इस साल भी बजरंग पवन मंदिर के अंदर दोनों देवियां ने आके सारे कैंट वासियों को जो कि आशीर्वाद देना है, और अच्छे चेचे तौर के ऊपर साढ़े भूषण अग्रवाल जी जो कि प्रधान साढ़े बजरंग भवन के हैं, और उन्होंने टीम का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना, जो कि अज अपने मेरे घर के नौ देवियां ने आके जो कि दर्शन दिता है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद ही जो कि 27 तरीक को जागरण कराया जाना, जिदे मणि लाडला जी ने आना है। अज मैं बहुत खुशी है कि जागरण तो पहले नौ देवियां ने जो दर्शन भूषण अग्रवाल जी ने सानू कराए है, असी बहुत इन्हें धनवाद है। ये छोटा भरा भी है, भतीजा भी है, इनकी सारी टीम का मैं बहुत बहुत धनवाद करना, जो कि 27 तरीक को जागरण इतने किया जाना, और साढ़े व्डे भरा प्रधान देवी कला जो कि दैनिक सवेरा मालिक भी ने, उन्होंने आके सानू हर साल आशीर्वाद देते हैं। भूषण के भी बहुत आशीर्वाद उन्हों का, और मेरे से भी, और डब्बू के भी, और सारी साड़ी जिनी भी टीम है जलंधर कैंट की, अपने वालों सारे का मैं बजरंग भवन मंदिर का फिर भूषण जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना। जय माता दी, 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 जय माता दी। नवरात्रिया के उपलक्ष्य के मंदिर श्री बजरंग भवन प्रबंधक कमेटी वालों एक भव्य शोभा यात्रा जी नौ पवित्र स्थान तो महाराणी दिया पवित्र जोत जलंधर कैंट के अज सारे छावनी के भ्रमण कर दिया हुई मंदिर श्री बजरंग भवन प्रबंधक कमेटी वालों ये नवरात्रिया का जोड़ा उपराला है, ये पांच साल तो जोड़ा है ये चल रहा,
नवरात्रियों के उपलक्ष्य के अज मंदिर श्री बीरंग भवन प्रबंधक कमेटी सारे छावनी निवासियों का हार्दिक अभिनंदन करती है और आशा करती है कि इदा ही जोड़े है उपराले सारी छावनी के होंगे रहन। मैं तय दिल तो धन्यवाद हाँ श्री सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तलाब के प्रधान श्री शीतल बिंद जी का जो हर समय से हर मौके पर साडा मंदिर श्री बीरंग भवन प्रबंधक कमेटी को बहुत सहयोग देंगे। मैं फिर गुजारिश करूँगा मेरे पप्पू प्रधान जी, इन्हों पता लगना चाहिए कि छोनी दे विच कोई शोभा यात्रा या कोई धार्मिक समागम है, ये बड़े उत्साह नाल जिहड़ा हैगा प्रोग्राम जिहड़ा करते हैं। अज इन्होंने अपने निवास स्थान पर नौ पवित्र जोतां जिहड़ी है रख के मां दे चरणां च हाजरी लवाई है। मैं मंदिर श्री बीरंग भवन प्रबंधक कमेटी वालों पप्पू जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करदा। महारानी इन्हां नूं चढ़दी कला च रखे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। नवदुर्गा रामलीला समिति गली नंबर 3 संजय गांधी नगर जालंधर की ओर से रामलीला का भव्य आयोजन 12 अक्टूबर तक बेअंत सिंह पार्क नजदीक फोकल पॉइंट जालंधर में किया जा रहा है। इस रामलीला के दूसरे दिन रावण अत्याचार का मंचन किया गया, जिसके दूसरे दिन की शुरुआत अशोक मिश्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करके। इस अवसर पर कमेटी के प्रधान डॉक्टर सीताराम यशपाल ठाकुर, सुशील शुक्ला, महेंद्र राय, अशोक मिश्रा व शिव कुमार यादव की ओर से मुख्य अतिथि को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट। नवदुर्गा रामलीला के समित के मंच पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस दूसरी नाइट का उद्घाटन करने के लिए हमारे दोस्त हमारे बीच में हमारे भाई अशोक मिश्रा जी पधारे हुए हैं। मैं अपने के समस्त सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अशोक सदस्य है उनसे मेरी विनती है कि कृपया मंच पर आए और अशोक मिश्रा जी को मंच पर लेके आए। नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला व दशहरा उत्सव का आयोजन 11 अक्टूबर तक रामलीला पार्क सोटर रोड जालंधर में किया जा रहा है। इसी के साथ ही 12 अक्टूबर को विशाल दशहरा पर्व रामलीला पार्क सोटर रोड में मनाया जाएगा। इसी संबंध में कमेटी सदस्यों की ओर से दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व सांसद सुशील रिंकू को, पूर्व विधायक शीतल अंगुराल को, प्रधान सुखविंदर कारिया, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, विकी शर्मा, सुनील विजबिट्टू व रवि कुमार की ओर से निमंत्रण पत्र भेंट किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट। नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी सोडल रोड जालंधर की ओर से रामलीला का आयोजन रामलीला पार्क सोडल रोड में किया गया, जिसके दूसरे दिन श्रवण कुमार और शेषनाग संवाद को प्रस्तुत किया गया। इस रामलीला की दूसरी नाइट का शुभारंभ उद्योगपति दीपक सूरी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। इस अवसर पर प्रधान सुखविंदर पालिया, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, विकी शर्मा, सुनील विजविटू व रवि कुमार की ओर से मुख्य अतिथि को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट। दिल को भागी पूजा करूंगा इसकी मैं, अगर ये मुझको अपना गई। कानों को अपवित्र करने वाले ये अपशब्द किसने उच्चारण किए? उसने
जिसे किसी के मुखमंडल की शांत कृति ने अशांत कर दिया हो। संसार में वही जो दिल गवा बैठा है प्यार के बाजार में। स्वर्ग स्वर्ग के पट खुल गए जब नेत्र खोले आपने, दो कटारे ताल ली है रूप के प्रताप ने। मुझ तपस्विनी के लिए अपशब्द बोले आपने, कान अपवित्र किए हैं मेरे तुम्हारे पाप ने। आखिर आखिर तुम हो कौन? आधार का साधन बना रही हूँ, शुद्ध प्रेम प्यार का श्री विष्णु जी का जप करती हूँ, और वेदवती नाम मेरा। मन में बस यही इच्छा है कि हो पति प्रभु विष्णु भगवान मेरा। विष्णु विष्णु तेरा लिंगम करे, चारों भुजाएं तोड़ दूं, एक नजर जो देखे तुझको तो नेत्र उसके फोड़ दूं। क्या औकात है वो करे संगीत तो बाजी तेरी मात्र है। कभी नारायण को देखा भी है? बोली बाला क्यों क्यों सुनी सुनाई हस्ती के लिए क्यों अपनी जान गंवा रही हो? कुंदन कुंदन जैसी काया को क्यों मिट्टी में मिला रही हो? ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मेरे बराबरी का कोई तारदार नहीं। मेरे रुतबे को पहचान और मेरे साथ चल। मैं तुझे दिल के मंदिर की देवी बनाऊंगा, और अपनी सारी रानियों की तुझे सरताज बनाऊंगा। इस तरह की मूर्खता बेसूद है तेरे लिए, संपत्ति सुख मेरे यहाँ मौजूद है तेरे लिए। सबसे पहले तो नवयुग मंडल रामलीला कमेटी दीपक जी का इतने आते बहुत बहुत धन्यवाद कर दी है और तहे दिलों स्वागत कर दी है, और प्रभु श्री राम जी के चरणों के विच हमेशा यही अरदास कर दी है कि प्रभु श्री राम इन्हां ते इन्हां दे परिवार ते इन्हां दे कारोबार ते हमेशा अपना मेहर भरिया हाथ रखन। जय श्री राम। असी कल रामलीला जदों शुरुआत कीती सी ते असी एक कल अनाउंसमेंट कीती सी कि भी असी रामचरित मानस दे विचों प्रभु रामलीला दे जो भी होया होया उस दे विचों असी सवाल पुछांगे, ते ओह उस सवालां दे जो भी बच्चे या कोई औरत या कोई आदमी अच्छी तरह उहदा आंसर देंगे उन्होंने इतने बुला के मंच से उन्होंने असी साढ़े वालों नवयुग मंडल रामलीला कमेटी वालों एक छोटी जी भेंट उन्होंने दी जाएगी। जय श्री राम। सवाल पूछेंगे आज की इस रामलीला का इस वक्त जो हम कर रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न बहुत आसान है और सभी राम भक्तों को सभी को मौका मिलेगा इस बारी राम जीतने का। बहुत आसान प्रश्न है, श्री रामचरित्र मानस की रचना किसने की, किसने लिखा था? श्री रामचरित्र मानस को किसने लिखा था या किसने रचना की थी? हमारे प्रधान जी आपके बीच में आ रहे हैं। जिस तरह की साड़ी प्रथा है, सब तो पहला असी थोड़े बीच आने तो पहला पहला एक बार जकारा लगा दियो प्रभु श्री राम दे चरणों दे विच। जय करा वीर बजरंगे महादेव। सब नारा लगवाते हैं जोर से, बोलो जय श्री राम, पर मैं कहता हूं कि दिल से बोलो जय श्री राम, ताकि ये आवाज ये शब्द वायुमंडल में होते हुए हर आत्मा के अंदर विराजमान हो जाए। बोलो जो बोल सकता है दिल से बोले एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। ये रामायण
हमारे जीवन का एक वो अंग है जो प्रभु राम जो हमारे कण कण में बसे हुए हैं हमें शिक्षा देने के लिए कि ये रामायण हम हर साल मनाते हैं ये याद करने के लिए कि हमारा चरित्र कैसा है। राम का चरित्र हमें सुनना नहीं है उसे हमें आत्मसात भी करना है। हम अपने परिवार में रहते हैं हम रोज रामायण करते हैं आप देखें कि हमें उस चरित्र को सिर्फ देखना ही नहीं है एक मनोरंजन का ही साधन नहीं समझना है उसको हमने अपने साधन को उसको आत्मसात करना है दिल में हमेशा के लिए ताकि हम रोज जो जीवन देते जीते हैं हम राम प्रभु जी के उसी चरित्र को अपने अंदर आत्मसात करें। देखिए श्री राम जी ने शुरू से ही शिक्षा हमारे कण कण में दी है ताकि हम अपने जीवन को इस तरह से डाल सके अपने उपयोग कर सके ताकि हम अपने संस्कृति को अपने देश को अपने धर्म को हम इसी शिक्षा के साथ आगे बढ़ा सकें। प्रभु श्री राम जी ने देखो जीवन में अपनी सौतेली माँ का कहना मानते हुए 14 वर्ष का वनवास ले लिया और आज हम अपने माँ बाप सगे माँ बाप का कहना नहीं मानते और उसके बाद देखो भाई के लिए सिंहासन का त्याग कर दिया और भाई ने खड़ाऊ लेके अपने सिंहासन पे रख दिए कि जब तक मेरे श्री राम नहीं आएंगे मैं इसका सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा। परंतु आज अगर हम अपने जीवन में देखें हम अपने ही घर में अपने ही भाई बाप से अपने माँ बाप से अपने भाई बहन से पैसों के लिए चीज़ों के लिए जब बड़े हो जाते हैं लड़ते हैं यही चीज़ें गलत हैं। ये राम ये रामायण ये हमें शिक्षा देने के लिए है कि देखो हमारे अंदर गुण क्या है इसके गुण हमें अगर आत्मसात करें हम अपने माँ बाप का अपने भाई बहनों का अपने जीवन में भावनाओं के साथ सागर उपयोग करें तो हम देखेंगे कि हमारा परिवार हमारा जीवन हमारा संसार कितना राममय और कितना खुशहाल है। राजेश्वरी धाम वेलफेयर सोसाइटी बस्ती शेख रोड चारंधर की ओर से माँ देवी राजरानी जी का जन्म उत्सव एवं मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में माँ भगवती की जागरण एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें पंकज ठाकुर एंड पार्टी और गोपाल पांडे एंड पार्टी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। तो वहीं मिलन महादेव आर्ट ग्रुप लुधियाना वालों ने सुंदर झांकियाँ पेश कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर विधायक रमन अरोड़ा पूर्व सांसद सुशील रिंकू एडवोकेट राहुल शर्मा आशु शर्मा एडवोकेट व अशोक मनोचा आखिरी उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जितेंद्र पाल सिंह वरिष्ठ अभिनेता राजू मदान ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किए जिन्हें मंदिर कमेटी के सदस्यों की ओर से विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधान कैलाश बब्बर चरणजीत राम किशन मूलचंद गेरा विजय दुआ सुषमिंदर नैयर अशोक पुनीत कुमार ममता अंजू जतिन बब्बर सतीश बब्बर ज्योति बब्बर जतिन मिंटू राजीव सहदेव सहित असंख्य भक्तजन शामिल रहे। अंत में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ ਪਾਈ ਤੇ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ ਪਾਈ ਤੇ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ ਪਾਈ ਤੇ 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 मैया जी मेरा जी करगा शेख वाले जिन्हों का अज जन्म दिवस है और मैं देख रहा कि नाल ही नाल मूर्ति स्थापना का भी अज के दिन जिहड़ा प्रोग्राम किया जा रहा जिथे इलाके दी संगतां उतों इलाके तो दूरों दूरों भी बहुत सारिया संगतां जिहड़ियां अज देवा जी का आशीर्वाद लैन दे लई और माता राणी का आशीर्वाद लैन दे लई दरबार दे विच पहुंचियां। सो मैं समझदा कि साढ़े आदरणीय देवा राज राणी जी जिन्हां दे उत्ते महामाई का विशेष आशीर्वाद है कृपा और अपनी भगती राही जिहड़े है वह संगतां नूं बड़ा वड्डा आशीर्वाद जिहड़ा इस मंदिर दे विच प्रदान करदे और संगतां इत्थों खुशियां दे नाल झोलियां भर के जांदियां। सो मैं अपने वालों अपने परिवार वालों
देवा जी नू समुचे प्रबंधकों नू अज दे शुभ दिहाड़े की बहुत बहुत बधाई दिना और महामाई के चरणों अरदास करदा कि साडे देवा जी उन्हां दी चंगी सेहत लंबी आयु होवे ताकि इसे तरह वो संगत की जिहड़ी सेवा है लंबे समय तक कर सकन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई जी भाई। अज बहुत अच्छा दिन ने, भागा भरिया दिन ने कि माता जी का जन्मदिन ने और स्थापना मूर्ति स्थापना दिवस है। इस मौके पर मैं अपने वालों अपने परिवार वालों सब शुभकामना देना माता जी ने भी आशीर्वाद लेना माता जी। जय माता दी। अज बहुत ही भागा वाला दिन है जो अज बस्ती शेख रोड जो बबरीक चौंक के नियर जो राज रानी मंदिर है और देवा जी का अज जो जन्म दिहाड़ा है उस उत्ते अज आखिरी उम्मीद NGO की समुची टीम वालों हाजिरी भरी गई तो माता जी का आशीर्वाद लिया गया और समुची टीम को असी तह दिल तो धन्यवाद करते हैं और जिन्होंने इन्ना मान अते सन्मान बख्शा अते अरदास करते हैं कि माता जी की चंगी सेहत वास्ते जो इस तरह समाज के संगतों की सेवा करते रहे। जय माता दी। अज बहुत ही खुशियां भरिया दिहाड़ा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग पूजनीय देवा राजरानी जी बस्ती शेख वाले जिन्हों का अज जन्म दिवस है और मैं देख रहा कि नाल ही नाल मूर्ति स्थापना का भी अज के दिन जिहड़ा प्रोग्राम किया जा रहा जिथे इलाके संगतां उतों इलाके तो दूरों दूरों भी बहुत सारिया संगतां जिहड़ियां अज देवा जी का आशीर्वाद लैन दे लई और माता राणी का आशीर्वाद लैन दे लई दरबार के पहुंचियाँ। सो मैं समझदा कि साढ़े आदरणीय देवा राजरानी जी जिन्हां दे उत्ते महामाई का विशेष आशीर्वाद है कृपा और अपनी भगती राही जिहड़े है वह संगतां नू बड़ा वड्डा आशीर्वाद जिहड़ा इस मंदिर दे विच प्रदान करदे और संगतां इत्थों खुशियां दे नाल झोलियां भर के जांदियां। सो मैं अपने वालों अपने परिवार वालों देवा जी नू समुचे प्रबंधकों नू अज दे शुभ दिहाड़े की बहुत बहुत बधाई दिना और महामाई के चरणों च अरदास करदा कि साढ़े देवा जी उन्हां दी चंगी सेहत लंबी आयु होवे ताकि इसे तरह वो संगत की जिहड़ी सेवा लंबे समय तक कर सकन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय माता दी। नवयुवक समिति मिथिला विहार वेलफेयर सोसाइटी सागर एनक्लेव बस्ती दानिशमंदा जलंधर की ओर से श्री श्री 108 26वां अष्टयाम पूजन श्री राम जानकी मंदिर में बड़ी ही श्रद्धाभाव से किया गया। इस दौरान पंडितों ने आए हुए यजमानों से विधिवत पूजा अर्चना करवाकर इस पूजन को पूर्ण किया। इस मौके पर प्रधान धनिक लाल सिंह, उपप्रधान राम विलास राम, अध्यक्ष रविंदर सिंह, उपाध्यक्ष ध्यानी सिंह, महेश कुमार, दीपक कुमार, मोहन लाल, राम प्रताप महतो, प्रमोद कुमार सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक चरणंदर में माँ बंगलामुखी जी एवं नव दुर्गा चीकिया हवन यज्ञ पूर्ण विधि विधान से आयोजित किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों ने आए हुए सभी भक्तजनों से षोडशोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन एवं नवग्रह पूजन उपरांत क्षेत्रीय रोपण एवं कलश स्थापित करवाया। माँ बंगलामुखी जी एवं माँ नव दुर्गा जी के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री जी के निमित्त हवन यज्ञ उपरांत सिद्ध माँ बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित माँ भक्तों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देती हुई संत महापुरुषों के बारे में व्याख्यान करते हुए कहा कि वास्तविक संत और भगवान में कोई भेद नहीं होता और संत के माध्यम से भगवान ही सारा
कर्म करती हैं। नवजीत भारद्वाज ने बताया कि माँ बंगलामुखी धाम में नवदुर्गा जी के निमित्त हवन यज्ञ मंदिर परिसर में रोजाना सुबह 7 बजे से शुरू होंगी। माँ बंगलामुखी धाम के सेवादारों द्वारा भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर में रविवार 6 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से आरंभ होगा। नवजीत भारद्वाज ने सभी भक्तजनों से इस हवन यज्ञ में सम्मिलित होने का आह्वान किया। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, सरोज बाला, रूपम प्रभाकर, सुनीता, कमलजीत, धर्मपाल सिंह, अमरजीत, राकेश प्रभाकर सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माँ बगलामुखी जी। या देवी सर्व होतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं अज शरद नवरात्रि जिहड़ा कि अज पहला दिन है नवरात्रियां दा, उहदियां बहुत बहुत शुभकामनावां दिंदा अपने वल्लों समूह सेवादारां वल्लों, महामई कृपा करन और जिहड़ी उहनां दी दया दृष्टि दे नाल ये हवन यज्ञ चल रहे है और महामई का गुणगान चल रहा, वो अपना आशीर्वाद इदां ही रखन साडे ते और अपने समूह सेवादारां दे उत्ते और इदां ही हवन यज्ञ करवाते रहन। अज माँ बगलामुखी धाम जिहड़ा सप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ है संपन्न होया, उस तो विच ही नाल ही नव दुर्गा माता जी के निमित्त अज पहले दिन शक्ति का जिहड़ा रूप है प्रथमम शैलपुत्री माता जी का हवन यज्ञ विशेष आहुतियां डलवाईया गई, मंत्रमाला जाप हुई। मैं दसना चाहना कि माँ बगलामुखी धाम च बहुत समय तो ही लगातार चाहे वह शरद नवरात्रे होन चाहे चैत्र नवरात्रे होन, महामाई ने जिहड़े नवरात्रियां दे शक्ति दा असीं सेवादार हैं और शक्ति दी पूजन करते हैं और शक्ति दे जिहड़े नवरात्रे है उन्हां च असीं हवन यज्ञ करते हैं। कोई भी भगत जन आके इस दे विच शामिल हो सकता, आहुतियां डाल सकता। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि रविवार नूं सवेरे हवन यज्ञ तो उपरांत 10 बजे दुआबा चौक नवजीत इलैक्ट्रिकल ते समूह सेवादार और सारी संगत पहुँचे, जो कि भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर च एक विशाल माँ बगलामुखी जी का हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, उस सम्मिलित होना है और महामाई का आपका आशीर्वाद लेना ही लेना, उत्थे पहुँची संगत को भी आशीर्वाद महामाई का लैके देना है ता जो भगवान वाल्मीकि जी की जिहड़ी शोभा यात्रा है वह बिना किसी रुकावट तो संपन्न हो सके और इस तरह ही असीं सारिया ने रल के महाराज वाल्मीकि जी की जिहड़ी शोभा यात्रा उहदे विच भी शामिल होना है और साडी समूह संगत नूं जिथे तक साडी आवाज़ जाती है और जिथे तक साडा संदेश जाता है यही करवत प्रार्थना है कि धर्म का लगातार अनुसरण करिए और धर्म के चलते हुए महामाई का आशीर्वाद लीए और जो साडे संत महापुरश सानू दस गए है व्याख्यान कर गए उन्होंने चलते हुए अपने जीवन में सफल करिए। जय माँ बगलामुखी जी। जालंधर में शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर भक्तों का जोश देखते हुए बन रहा है। माँ दुर्गा के आगमन की तैयारियों के लिए शहर के बाजारों में खास रौनक देखी जा रही है। भक्तजन पूजा अर्चना के लिए आवश्यक सामग्री की जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे महानगर के प्रमुख बाजार गुलजार हो गए हैं। खासतौर पर जग्गू चौक के पास स्थित सेवक धूप फैक्ट्री में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लोग इस खास अवसर पर पूजा सामग्री और मां की मूर्तियों की खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। सेवक धूप फैक्ट्री के मालिक प्रिंस शर्मा और ऋषि शर्मा ने बताया कि उनकी दुकान पर भक्तों के लिए पूजा में उपयोग होने वाली हर चीज़ उपलब्ध है। यहाँ 2 इंच से लेकर 7 फीट तक की माँ दुर्गा की मूर्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो विभिन्न धातुओं में बनाई गई हैं। इसके अलावा भक्तों के लिए माँ दुर्गा की पोशाकें भी बड़े आकर्षण का केंद्र हैं। भक्तजन माँ के श्रृंगार के लिए कलीरे, मुकुट, हार और चुनरी जैसी सामग्रियों की भरपूर खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं पूजा सामग्री और मूर्तियों की खरीदारी करते हुए भक्तजन काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜੱਗੂ ਚੌਂਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕੁਟ ਵਸਤਰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਰਾਇਟੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਜੌਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੰਚਮੇਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੌਂਗ ਲੈਚੀ ਸੁਪਾਰੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਬਰ ਦੀਆਂ ਵਾਈਟ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਭੂਸ਼ਣ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਸਟਮਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਸਟਮਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸੁਪਰ ਫਾਈਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਆ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਐਡੀ ਕੁ ਪਿਆਰੀ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਕਰਿਊ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰੀ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ ਮੋਤੀ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸਾਂ ਸਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੀਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਵੀ ਡਰੈਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਡਰੈਸਿਸ ਲੈਣੀ ਆ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਲਰ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਡਰੈਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਵਰਾਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਕੁਛ ਆਫਰਸ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰਬੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਸਟਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੈ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਜਾਗਰਣ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕਾ ਜਾਗਰਣ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਸੈਲਾਨੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਰੋਡ ਨੰਬਰ 1 ਚੌਂਕ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਇਸੀ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਧਵਜਾ ਰੋਹਣ ਕੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀ ਗਈ ਇਸ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਧਵਜ ਕੋ ਲੇਕਰ ਭਵਿ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ इलाके की परिक्रमा का जागरण स्थल पर पहुंची जहां पर विधिवत पूजा अर्चना कर ध्वज को स्थापित किया गया। इस मौके पर आचार्य विशाल पराशर सहित कमेटी सदस्य व अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माता दी। हर साल की तरह इस साल भी जय माँ चिंतापूर्णी कमेटी की तरफ तो माँ भगवती का तीजा महाजागरण कराया जा रहा है। सारे कमेटी मैंबर नगर निवासी के साथ में पूरे महल्ले दे विच माँ भगवती का झंडा भ्रमण करवाया जा रहा है। ये साढ़े प्रधान जी और जिन्हें भी कमेटी के मैंबर आ सारे ने बढ़ चढ़ के सहयोग लिता और माता राणी का आशीर्वाद प्राप्त किया। जय माता दी। माँ चिंतपुर्णी जागरण कमेटी वालों हर साल की तरह तीसरा वार्षिक जागरण शहीद ऊधम सिंह नगर सैलानी माता मंदिर रोड से करवाया जा रहा और सारी साध संगत के सहयोग के नाल हो रहा है। सानू शास्त्री जी का विशेष सहयोग रहा है क्योंकि समय समय आके इस सहयोग करते हैं और मैं सारी साध संगत अगर बेनती करदा कि 5 तरीक न तीसरे नराते शनिवार को हम आके जागरण पहुँचो पहुँचो तो महामारी का आशीर्वाद प्राप्त। और आप अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जालंधर के बस्ती बाबा खेल नहर में से एक मासूम बच्चे का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस सीसीटीवी रही खंगाल। अमृतसर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गैर कानूनी हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। 3 पिस्तौल 30 राउंड किए बरामद। अमृतसर के सिविल अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। महिला ने अस्पताल के बरामदे में दिया बच्चे को जन्म। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।